हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और हेडफोन की यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया है, जिसमें एक्सा का ही ब्रांड है। और यहाँ पे एक अलग तरह का आपको हेडफोन देखने को मिल जाता है, जो एक गेमिंग हेडफोन है। और बता दें कि ये एक स्टेरियो गेमिंग हेडसेट है, और ये एक्सबॉक्स के लिए स्पेशली बना डिज़ाइन किया हुआ एक हेडफोन है। और दूसरा बात, यहाँ पे इसकी जो खासियत की बात है वो बहुत ही अलग तरह की देखने को मिल जाती है। हालांकि मैंने जो तो पुराने वाले जो वीडियोज मैंने बनाए थे, जो आई बटन में दे दूंगा वाजे का, आप चेकआउट कर सकते हो, वो थोड़े से अलग तरह के थे। लेकिन ये जो हेडफोन है वो भी थोड़ा सा अलग तरह का देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से हमसे देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें इस हेडफोन के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं छोटा सा एक रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ कि इसका यूज करने के बाद मुझे कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से बता रहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। आप देख सकते हो कि बॉक्स में यहाँ पे एक्सा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे फेनियर लिखा हुआ है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो E7000 का इसका मॉडल नंबर है। स्टीरियो गेमिंग हेडसेट है, और यहाँ पे पीयू लेदर ईयर कुशन मिल जाता है, और यहाँ पे USB प्लस 3.5 mm का प्लग देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ हम देख लेते हैं तो यहाँ कुछ जो भी है वो पैकेट लिस्ट देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर का जो है ऑडियो ड्राइवर है वो 15 mm का आपको ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाता है। बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो पहला यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे कवर जैसा देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हाँ यहाँ पे केबल है। हालांकि ये बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि जो पुराने वाले एक्सा के फोन हेडफोन थे उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये अलग तरह का पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं, और ये यहाँ पे केबल देखने को मिल जाता है जो जॉइंट है हेडफोन के साथ ये, और हम इसे निकाल देते हैं। ओके, तो ये हेडफोन आपको अटैच देखने को मिल जाता है इसके साथ, तो हम इसे साइड पर रखते हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। एक हमें यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और एक स्प्लिटर देखने को मिल जाते हैं। मुझे ये एक एक्सा की ये खास बहुत ही अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे जो स्प्लिटर केबल है, जो पुराने पीसी है उसमें आपको दो दो आपको जैक देखने को मिलता है, उसके जगह आपको सिंगल करना है तो इसे कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्सा अलग से दे देता है, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फटाफट से हम आ जाते हैं हमारे हेडफोन की तरफ, देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है उसके अंदर। ओके, तो ये है हमारा एक्सा का E700 फेनियर गेमिंग हेडसेट, और ये लुकआउट में आपको बहुत ही एक अलग तरह का गेमिंग, एक कहते हैं ना कि गेमिंग लुकआउट चाहिए, तो ये परफेक्ट लुक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नियॉन डिज़ाइन यहाँ पे टाइप देखने को मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे LEDs है, तो जैसे आप PC में कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे LED लाइट शुरू हो जाएंगी। तो वो आगे वाले हम जब भी मैं यहाँ पे वीडियो आगे बताऊंगा तो उसके साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसा देखने को मिलता है। और बताना चाहूँगा यहाँ भी कुशन भी आपको बहुत ही बड़े वाले देखने को मिल जाते हैं, जो मैंने पहले जो बताए थे जो भी एक्सा के हेडफोन, तो उसके जगह यहाँ पे थोड़े से बड़े लगते हैं मुझे, मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो आपको जो माइक है वो यहाँ पे अटैचेबल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डिटैचेबल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है ऑलमोस्ट आपको प्लास्टिक की है, लेकिन जो यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन है उसके अंदर का जो क्वालिटी वो आपको मेटल का देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेडरेस्ट में भी आपको कुशन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो केबल की क्वालिटी वो ब्रेडेड केबल है, हालांकि हमने जो पुराने जो भी हेडफोन देखे थे एक्सा की तरफ से, तो उसकी जगह से यहाँ पे अलग तरह का आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाती है केबल में। और यहाँ पे भी केबल में आपको दो तरह का यहाँ पे स्प्लिटर ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर आपको हेडफोन जैक लगाना हो मोबाइल में तो भी लगा सकते हो, और पीसी में भी लगाना तो उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन पीसी में USB लगाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो इसे मस्ट यहाँ पे पीसी में ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। इसी के साथ अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो गेमिंग के लिए तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे माइक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की स्विच देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो आपको केबल्स है वो यहाँ पे जॉइंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हटा नहीं सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से इसे हम यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका एक्सपीरियंस है वो कैसा देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली यहाँ पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लगती है, जो एक्सा के सारे हेडफोन है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो ये भी हेडफोन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे है कि ये प्लास्टिक है, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, ऐसा नहीं है चीप लगता है। लेकिन यहाँ पे हम इसे यूज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पे मुझे यहाँ एक्सा का जो E7000 फेनियर वाला जो गेमिंग हेडसेट है
उसका मैं फाइनली 3 से 4 दिन यहाँ पे यूज कर चुका हूँ और यहाँ पे इसका मैं फाइनली यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ और मेरे ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि ये हेडफोन अगर आप परचेस करते हो क्या वर्थ इट है कि नहीं, उसके बाद बता चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे एक नंबर है, जितना मैंने यूज़ किया, जितना मुझे लगा कि ये अच्छा है, यहाँ पे हेडरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैं बेंड करता हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, हालांकि प्लास्टिक की बॉडी है लेकिन ऐसा चीप प्लास्टिक नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। कान में आपको बहुत ही अच्छा एक आपको कुशन देखने को मिल जाए, इसी के कारण आपको बहुत ही स्मूथ अच्छा काम करता है। हालांकि अभी गर्मी का टाइम है तो ऑब्वियसली पसीना ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है इस हेडफोन के साथ। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको जो केबल की क्वालिटी है वो बेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई नॉर्मल केबल नहीं, जैसे कि आपको E900 में जैसे केबल देखने को मिलता है वैसा नहीं, यहाँ पे ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और यहाँ पे आपको दो अलग से पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं, एक है 3.5mm जैक और एक USB से यहाँ पे इस हेडफोन की लाइट ऑन होती है। और यहाँ पे 3.5mm आप अपने PC में या फिर अपने मोबाइल में भी आप ऐड कर सकते हो, यानी कि ज्वाइंट कर सकते हो, और दूसरे कोई भी डिवाइस जैसे कि PS5 है, PS जो भी आपको यहाँ पे Xbox है, कोई भी आपको Nintendo है, उसमें भी आप ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आपको इसे भी केबल क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। तो क्वालिटी के मामले में ये हेडफोन बेस्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी की, तो बताओ यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे मोबाइल से म्यूजिक ऑन किया तो म्यूजिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि ओवर यानी कि नहीं है, यानी कि साउंड उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो डिसेंट आपको साउंड चाहिए, जितना आपको वॉइस अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15mm के आपको ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। थोड़े बहुत यहाँ पे नॉइज आपको एक अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर से आपको कोई भी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी अच्छा है, म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मोबाइल में जब गेमिंग खेलते हो तो गेमिंग की जो साउंड है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे सुनाई दे रही है, जैसे कोई भी एनिमीज आते हैं तो उसके भी साउंड दिखाई देती है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो बेझिझक यहाँ पे गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है मोबाइल के लिए। लेकिन बात करें यहाँ पे PC की, तो PC में भी सेम ऐसा ही है। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यहाँ पे ये हेडफोन लेते हो तो यहाँ पे आपको साउंड क्लियरिटी और ज्यादा बेटर हो जाती है, हालांकि थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है, उतना ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक मुझे अच्छी बात ये लगी कि अगर आप USB ज्वाइंट करते हो तो उसमें ये जो लाइट जलती है वो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करती है, और आपको एक लुक और एक एनहांस हो जाता है हेडफोन का, और रात में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नियॉन लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा है एक कंपनी आपको एक हेडफोन में, ये अच्छी बात है कि 2000 के प्राइस में भी आपको ये अच्छा खासा लुकआउट देखने को मिलता है, और एंटरटेनमेंट पर्पस में भी आपको अच्छा खासा साउंड, यहाँ पे मूवीज देख रहे हो, कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस साउंड का देखने को मिल जाता है। बात करें PC की गेमिंग की, तो PC की गेमिंग में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक गेमिंग हेडसेट है, तो ऑब्वियसली आपको गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी माइक यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो माइक है इसे कोई यूज कर रहे हो, तो इसमें नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है, ये मेजर एक आपको फीचर देखने को मिल जाता है इस हेडफोन के साथ, तो इसे भी यूज करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई साउंड रिकॉर्ड करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो, तो आपको जो जो नजदीक में कोई साउंड है, कोई भी आपको नॉइस, तो वो यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं इसका भी मैं टेस्ट आपको दे देता हूँ, वो कैसा है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप साउंड सुन रहे हो वो यहाँ से एक्सा के E7000 फेनियर वाला जो गेमिंग हेडसेट है उसके माइक से यहाँ पे इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इसका वॉइस है, जिसमें आपको नॉइस कैंसलेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे पीछे की तरफ कोई भी नॉइस होगी वो यहाँ पे आपको माइक में सुनाई नहीं देगी। तो अगर आप कोई भी आप मीटिंग कर रहे हो या कोई भी आप गेमिंग ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको गेमिंग कोई भी लाइव सेशन हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी एक कहते हैं ना फालतू की नॉइज यहाँ पे आपको माइक में सुनाई नहीं देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हालांकि मैंने पहले भी सुना हुआ है इसका माइक का क्वालिटी तो बहुत ही बेस्ट है, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसकी माइक क्वालिटी कैसी लगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये था एक्सा का E7000 फेनियर वाला एक हेडफोन, गेमिंग हेडफोन, और ये आपको परचेस करना है तो मैं जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। अमेज़न पे भी अवेलेबल है और एक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अवेलेबल है। अंडर 2000 की सेगमेंट में ये हेडफोन बेस्ट है मुझे लगता है, और इसका जो मेन पार्ट है, अगर आपको नॉइस कैंसलेज आप ज्यादातर रिकॉर्डिंग करते हो, जूम मीटिंग्स करते हो, और उसमें आपको गेमिंग भी अच्छी खासी करते हो,
तो ये आप हेडफोन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन का फीचर्स है वो माइक में देखने को मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे इसका जो लाइट है नियॉन लाइट, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि ऐसा कोई भी हेडफोन अभी तक नहीं है कि जो 2000 के सेगमेंट में आपको इस तरह का हेडफोन देखने को मिलेगा, तो इसे बेझिझक परचेस कर सकते हो। आप मुझे मैसेज में जरूर बताना कि आपको ये एक्सा का E7000 फेनियर वाला जो गेमिंग हेडसेट है वो कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इसी में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।